नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का आज की प्यारी सी सुबह में। और शुरुआत कर रहे हैं जीवन जीने की एक सुंदर कला की बात से। कहते हैं कि यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो आप सुंदर नहीं भी हैं तो भी चलेगा, लेकिन यदि आप सुंदर हैं और व्यवहार अच्छा नहीं है तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। दूर से आप औरों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनके संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, तो आपके वास्तविक व्यक्तित्व को देखकर लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे। इसीलिए व्यवहार की, स्वभाव की, संस्कार की सुंदरता, उसकी सरलता, उसका माधुर्य वास्तव में हमें लोकप्रिय बना देता है। हम किसी भी क्षेत्र में हैं, लोग हमारे करीब आएंगे, हमारे साथ बैठना चाहेंगे, हमारी बातें सुनना चाहेंगे और हमसे राय भी लेंगे, क्योंकि हमारे संस्कार, हमारे स्वभाव, हमारे व्यवहार में उन्हें श्रेष्ठता दिखाई देगी। और यही वास्तव में सफलता का सूत्र भी है, आगे बढ़ने का सूत्र भी है। ऐसे सुंदर सूत्र के साथ, जीवन जीने के एक सुंदर मंत्र के साथ आपको लिए चलता हूँ आज के सुवाक्य की ओर। मित्रों, मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा, रोज़ एक ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी सेहत अच्छी हो। लेकिन वो काम क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये कहा करते थे, और मैं भी आपको ये नहीं बताऊंगा। वो आपको खुद ही निश्चित करना है, नियत करना है कि क्या ऐसा काम हो जिससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हम प्राणायाम करें, व्यायाम करें, रोज़ टहलें, खान पान का ध्यान रखें, या फिर अपने आप को चिंताओं से मुक्त रखें। इनमें से कोई एक काम तो ज़रूर करें। हाँ, इनके अलावा और भी जो काम हो उन पर ज़रूर विचार कीजिएगा, क्योंकि तन हमारा है और तन को स्वस्थ रखेंगे तभी जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकेंगे। इस पर विचार भी करें और आए, आपकी सेहत आपके हाथ में, आज हमारे लिए क्या खास है उसका श्रवण भी करें। ओम शांति। डेंगू रेनी सीजन में पाने जाने वाला डिसीज़ है। डेंगू मॉस्किटो बाइट से होता है। एडिस नाम के मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और वो जब नॉर्मल पर्सन को बाइट करते हैं तो डेंगू वायरस उसके शरीर में प्रवेश करता है और मेनली वो लीवर को इन्फेक्ट करता है। डेंगू चार प्रकार के स्पेसीज होते हैं उसमें, उस हिसाब से उसको माइल्ड टू सीवियर डेंगू हमें पाया जाता है। माइल्ड डेंगू तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक होता है। सीवियर हेमरेजिक फीवर तक भी डेंगू होता है, जिसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। डेंगू के पेशेंट मेनली डिहाइड्रेट होके आता है, शरीर का पानी बहुत कम हो जाता है, लो बीपी होता है, शरीर में दर्द होता है, उसकी भूख कम हो जाती है और व्यक्ति खुद को बहुत बहुत वीक फील करता है। तो इसमें हमें उसका हाइड्रेशन मेंटेन करना और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना ज़रूरी होता है, जिसमें यूजुअली हम NSAIDs देते हैं, फीवर कम करने की दवा देते हैं, उसके हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं। तो डेंगू कहाँ पे पाया जाता है? जहाँ पर मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं, कहाँ, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और फिर वहाँ मॉस्किटो ब्रीड करने लगते हैं। इसलिए हमारे घर के जो एरियाज़ है,
हमारे ऑफिस वर्क के जो एरियाज हैं हमें उसको सफाई रखनी चाहिए, पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। दूसरा, जहाँ डेंगू एरियाज है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, वहाँ पर भी हमें अपने को बचाने के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करना चाहिए, जिसमें ऑइंटमेंट्स है, जिसमें फैब्रिक में भी लगाने वाले कुछ रिपेलेंट्स बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिससे हम अपने को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। क्लॉथ भी हमें पूरे पहनने चाहिए, फुल स्लीव्स। इस प्रकार हम अपने को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। मित्रों, कहीं बहुत सुंदर शब्द लिखे हुए थे कि फिर से प्रयास करने में कभी घबराना मत, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। हम कई बार एक बार, दो बार, तीन बार हार खा लेने के बाद हार मान बैठते हैं, प्रयास नहीं करते। लेकिन यदि बार बार प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारी कदम चूमेगी, क्योंकि हर बार एक नए अनुभव के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये अनुभव हमारे हों या औरों के, हमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और यही कारण है कि विशिष्ट जन की बातें विशेष में भी हम विशिष्ट जनों को आमंत्रित करते हैं उनके सुंदर अनुभव के साथ, कि उन्होंने अपने जीवन में क्या पाया है और साथ ही अध्यात्म या आध्यात्मिक मंच उन्हें क्या प्रदान करते हैं, क्या प्रदान कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज हमारे साथ अपने सुंदर अनुभव के साथ कौन है। Came in contact with Brahma Kumar is only after a couple of years back, after I became the deputy chairman in Rajya Sabha. Then some Brahma Kumari sisters came and met me on a Rakshabandhan day. I remember Rakshabandhan one day. Then later on, I attended one or two functions. Then first I got a glimpse of artists. Later on, when I understood more and more, it increased my appreciation and respect for that organization and for that sisters. Really amazing that to see so much dedicated sisters and who are serving the society. Right. Society in the real sense. See, rather than giving physical or bodily help, they are really serving the soul. They are trying to nourish the soul, right, which is most essential for peace and happiness of an individual, of a person. Right. So Brahma Kumaris, according to me, is doing national reconstruction work. Because nation is reconstructed not only on physical or material terms, but also on spiritual terms also. Right. And Brahma Kumaris are doing that work, and their dedication and commitment. I am astonished to see that, the dedication and commitment. After coming here also, see, I am wonderstruck. I am telling you, such a big institution, how it is being managed, all by dedicated, celibate Brahma Kumaris, right, and also celibate men. Eh? Mm-hmm. And it is in such a purity, such a commitment, mm-hmm, such a dedication, works are being done. It is astonishing. I don't think it is because of the spiritual power and energy that they are able to do it. Right. So yeah, to express my appreciation of them, it is so vast and so abundant, I tell you. मित्रों, एक बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी, उसमें मैं भी शामिल था, और चर्चा इस बात पर थी कि संसार में दुख का मूल कारण क्या है। बहुत सारी बातें निकली, उनमें से एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और काफ़ी लोग इस बात से सहमत थे कि जब हम दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम दुखी होने लगते हैं कि उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, वहाँ ऐसा है, वो बात यहाँ ऐसी नहीं है। कंपेयर करने से वो दुख की स्थिति पैदा होने लगती है। तो सार ये निकला, यदि हम अपनी प्राप्तियों को देखें, यदि अपनी विशेषताओं को देखें, हम क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करें, तो जीवन खुशहाल होता चलेगा, आनंद से भरता चलेगा। और यही नज़रिया, यही परिवर्तन
ब्रह्मा कुमारीज अपनी सेवाओं के माध्यम से जन जन में ला रही हैं कि आप यूनिक हैं, परमात्मा की विशेष रचना है, इस बात को समझें, जानें और जीवन का आनंद लें। आइए देखते हैं उनकी सेवाओं की एक झलक। दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण थीम पर सिकंदराबाद के इंपीरियल गार्डन में समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बैकवर्ड क्लासेज वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी वेंकटेशा आईएएस, शिव शक्ति ग्रुप ऑफ कंपनी के संस्थापक श्री अंजानेलु, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राज्योगिनी बी के संतोष, अतिरिक्त महासचिव बी के ब्रजमोहन, दिल्ली जोन की निर्देशिका बी के आशा मुंडा, मार्केट सेवा केंद्र प्रभारी बी के सरोजा, अलवा सेवा केंद्र प्रभारी बी के सुधा, भेल सेवा केंद्र प्रभारी बी के निर्मला, बी के मंजू समेत सिकंदराबाद के अनेक सेवा केंद्र की वरिष्ठ बहने व सदस्य उपस्थित रहे। सभी विशिष्ट लोगों का यह कहना था कि मनुष्य के अंदर दयालुता होनी चाहिए और इसके लिए आध्यात्मिकता बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इस पर प्रसिद्ध सिंगर हरीश मोयल ने अपने गीतों से सभी को परमात्मा की याद दिलाई। कभी छाओ बनकर लहरों में, कभी नाव बनकर, मांगे सब कुछ पाया, क्या मांगू मरियाद, हम तो सदा महफूज। और वरिष्ठ बहनों ने सभी वरिष्ठों का सम्मान किया। याद में बिन मांगे सब कुछ क्या मांगू परियाद में। मित्रों, जाते जाते एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी बात। किसी ने कहा है कि जिंदगी में भूलने वाली बातें सारी याद हैं, इसीलिए तो जिंदगी में विवाद है। विवाद अंतर से, क्योंकि मन अपने आप में संतुष्ट और प्रसन्न नहीं रह पाता जबकि पुरानी बातें वो याद करके बढ़ता रहता है। जैसे जिंदगी ढोने जैसी प्रतीत होने लगती है, इसीलिए पुरानी बातों को विराम दें, आज में रहें। गीता की वो बात हमेशा मैं आपके साथ साझा करता हूँ कि हे अर्जुन, वर्तमान में रह, वर्तमान का आनंद ले। यदि वर्तमान को तू सुंदर बनाएगा तो तेरा भविष्य भी सुंदर होता चलेगा। क्यों ना गीता के इस सुंदर सार को हम अपने जीवन का सार, अपने जीवन का मंत्र बना लें और अपने वर्तमान को आनंद से भरें, खुशियों से भरें, श्रेष्ठ कर्म करें ताकि वर्तमान और भविष्य उज्जवल होता चले। जो बीत गया सो बीत गया, अब उसकी चिंता और चिंतन क्यों, इस पर जरूर चिंतन कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।